साथ जिले की दिन भर की खबरों का। तो आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। आज झंझारपुर के बैनाव स्थान थाना पुलिस ने 57 पर नपुलिया गांव के समीप झंझारपुर में उतरने जा रही एक बड़ी खेप शराब लदी बिना नंबर प्लेट के बोलेरो वाहन को दबोच लिया। धराए बोलेरो से 252 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। अपने ठिकाने से पर पहुंचने से पहले से बड़ी खेप शराब पकड़े जाने की जानकारी झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। इस पर एक संजीत गुप्ता लड़का पकड़ाया है जो कि इस बोलेरो को ड्राइव कर रहा था और इसमें 28 पेटी शराब उपलब्ध पाया गया जो लगभग टोटल 252 लीटर के आसपास है। उससे पूछताछ भी की गई है और इस स्तर पर कहां से दारू का सप्लाई होता है, कैसे बिहार में इंटर होता है और कहां डिलीवर की जाने थी, जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुल 28 कार्टून में 672 बोतल सभी 375 ml के पैक में विदेशी शराब बरामद हुआ है। वहीं मौके से पुलिस ने एक कारोबारी को भी धर दबोचा। धराए कारोबारी की पहचान सरसोपाही गांव के जगदीश साह के पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि शराब के मामले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एसडीपीओ ने लोगों से शराब कारोबारी एवं बाइक से हो रही होम डिलीवरी वालों का नाम बताने की अपील की है। अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह के धंधे में लिप्त हैं, मैं स्थानीय लोगों से, आपसे या जो भी लोगों के पास कोई भी इनपुट है वो हमें शेयर करें। हमारे पुलिस महानिरीक्षक आईजी साहब के द्वारा, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और हम लोग इसको लेकर के बहुत सख्त रवैया अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि कारोबारी का नाम और पता मिले मोबाइल नंबर पर मैसेज करें, नाम गुप्त रखा जाएगा। भैरव स्थान थाना पुलिस क्षेत्र में लगातार शराब कारोबार पर शिकंजा कसते जा रहा है जिससे शराब कारोबारियों के होश उड़ गए हैं। छापेमारी का नेतृत्व थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज कर रहे थे, उनके साथ एसआई मनोज कुमार और महिला तथा पुलिस आरक्षी बल शामिल थे। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में एसएसपी 18वीं वाहिनी के आड़ा बीओपी के जवानों ने एक ऑटो पर लदे 70 बोरी भरे नेपाली देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार धंधेबाज मेला निवासी राजू पंडित है। शराब जब्ती के साथ गिरफ्तार धंधेबाज को जयनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में बढ़ते बाइक चोरी की घटनाओं ने पुलिस को नाक में दम कर दिया था। ऐसे में एक बाइक के साथ साथ ही बाइक चोर के पुलिस के हफ्ते चढ़ जाने से थोड़ी राहत मिली है। जयनगर थाना परिसर में गाड़ी चोरी हुई थी उस दिन इसके ऊपर सस्पेक्ट हम लोग बनाए थे कि यही इसी ने गाड़ी चुराई। उसके बाद आपको कल ये पता चला कि जो जिसकी बाइक इसने चुरा रखी थी उसने अपनी बाइक देखी यहाँ पर। नंबर तो चेंज था लेकिन स्टिकर बाइक पर चिपका रखा था, वो स्टिकर वहीं पर था। तो उसने इन्होंने सोचा कि हमारी ये बाइक है और इन्होंने थाना को इन्फॉर्म किया और थाना तुरंत वहाँ पहुँची। पुलिस तुरंत त्वरित कार्रवाई करते वहाँ पहुँची और वहाँ पे इसको बाइक के साथ पकड़ा। बाइक के सारे डिटेल्स हैं, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उनका मिलान किया और मिलान करने के बाद सेम गाड़ी पाई गई। प्रेस वार्ता के दौरान थाना अध्यक्ष संजय कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार बाइक चोर बाइक चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। बाइक चोर गिरोह का सदस्य बाइक चोरी कर बाइकों का नंबर प्लेट बदल देता था। चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार बाइक चोर बाजार से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी होती छापेमारी की जा रही है। चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार बाइक चोर जयनगर थाना क्षेत्र के हट लेटवा गांव निवासी उमेश यादव का 19 वर्षीय पुत्र दुर्गेश कुमार यादव बताया जा रहा है। गोवाड़िया में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर स्थानीय थाना पुलिस ने बीते मंगलवार की देर शाम रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित दुकानों में सघन तलाशी अभियान चलाया। सहायक अवर निरीक्षक मिथिलेश राही एवं शंभु झा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ स्टेशन परिसर में स्थित चाय पान एवं नाश्ते की सभी दुकानों में नशीला पदार्थ की बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान बिहार पुलिस के डीजी के निर्देश पर चलाया गया। हालांकि तलाशी में कोई मादक पदार्थ नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि समय समय पर मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाता है। आज जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा केंद्र सरकार के किसान बिल को किसान विरोधी बताते हुए इस कानून के खिलाफ पार्टी कार्यालय से प्रतिरोध मार्च समाहरणालय तक निकालकर समाहरणालय गेट को जमकर जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतला मरझा ने कहा कि किसान विरोधी तीनों काला कानून सरकार अविलंब वापस ले। आज देश के लिए लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली
में बॉर्डर पर जाम कर इस सर्द भरी रात में भी संघर्ष कर रही है। वहीं सरकार देश के 62 करोड़ किसानों और खेतिहर श्रमिकों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री की जिद, अहंकार और अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो निराशाजनक है। आज देश के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं सरकार किसानों को लागत का दोगुना समर्थन मूल्य देना नहीं चाहती, किसानों का कृषि ऋण माफ नहीं करना चाहती, किसानों के बहुमूल्य जमीन औने पौने दाम पर लेकर अपने पूंजीपति मित्रों को दोगुना मुनाफा में देना चाहती है। इस काला कानून में किसानों को न्यायालय तक जाने से रोका जा रहा है। आज आंदोलित किसानों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन एवं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे किसान मरे भी हैं और घायल भी हुए। इसी प्रकार देश में यह निंदनीय है। भारतीय कम्युनिस्ट के आह्वान पर सभी महागठबंधन दल के राजद, माले सहित काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहर में एक अधिवक्ता यदुनाथ झा की कोरोना संक्रमण के चलते पटना स्थित एम्स में उपचार के दौरान मंगलवार की देर रात मौत हो गई। वे मृतक हजोली प्रखंड अंतर्गत कनौली गांव के रहने वाले थे। वे मधुबनी स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में रह रहे थे। उनके निधन के कारण जिला न्यायालय बुधवार को बंद रखा गया। अधिवक्ता श्री झा को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पटना स्थित एम्स में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में भाकपा माले, भाकपा माकपा एवं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने आज दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। वे किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। स्टेशन चौक पर पुतला दहन के पश्चात आयोजित सभा में वक्ताओं ने मोदी सरकार को सभी मोर्चे पर फेल बताते हुए कहा कि वे पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए देश के किसान व उसकी जमीन को बंधक बनाना चाहते हैं। आज वो कृषि पर भी प्रभावित हो चुका है। इसके खिलाफ आज पूरे देश में आंदोलनकारी किसानों के प्रति सद्भावना और समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि किसान बिल के मामले में भाजपा सरकार की अनावश्यक हड़बड़ी सरकार के गलत इरादे को दिखाता है। उन्होंने सरकार पर इस विधेयक को गलत तरीके से पास कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इसे सिर वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लदनिया प्रखंड के संविदा पर कार्यरत प्रभारी प्रधान लिपिक गौरी शंकर महतो ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, जिससे प्रखंड के कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है। बीते 25 नवंबर को प्रखंड विकास पदाधिकारी को डाक से भेजे गए त्याग पत्र मिलने की पुष्टि बीडीओ अखिलेश कुमार ने की है। बीडीओ ने बताया कि इसकी लिखित सूचना स्थापना उप समाहर्ता को दी जा चुकी है। प्रखंड कार्यालय में सिर्फ 2 कर्मी पदस्थापित है। उदय कुमार प्रखंड नजारत के प्रभार में है, वहीं नरेंद्र प्रसाद प्रधान लिखित के प्रभार में है। स्वीकृत बल के मुताबिक प्रखंड कर्मियों को पदस्थापन नहीं होने से रूटीन कार्य के अलावा आवश्यक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। समय पर आवश्यक पत्राचार में भी भारी मशक्कत के बाद यह हो पाता है। आज देर शाम नौकी थाना क्षेत्र के नेहरू बॉर्डर के समीप यात्रियों से भरी एक बस बैक करने के दौरान पलट गई, जिसमें एक महिला समेत कई यात्री घायल हो गए। आनंद फानंद में घटना स्थल पर मौजूद लोग बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घुमड़िया बाजार में एक व्यापारी के गोदाम को बचाने के लिए रेलवे अंडर पास पुल के डिजाइन से छेड़छाड़ का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गोदाम को बचाने के लिए पुल को ही टेढ़ा कर दिया गया है, जो बन सकती है कभी दुर्घटनाओं का कारण। ठेकेदार, अभियंता और व्यापारी के बीच अवैध लेन देन की जोड़ों पर चर्चा है। मामला झंझारपुर निर्मली रेलखंड के गोंडिया स्टेशन के पूर्वी क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन अंडरपास पुल का है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।